यूपी विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ गया और प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटों में सबसे खास उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की उत्तरी सीट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीत दर्ज करने वाले हर्षवर्धन वाजपेयी जो बीजेपी से हैं, टिकट में हालांकि इनकी बहुत देरी हुई लेकिन देर में आए, दुरुस्त आए और जीत भी हासिल की है। इनसे हम बात करेंगे। सर, चुनाव में बहुत दूसरी बार जीत दर्ज करी है, किसको मेहनत का श्रेय किसको देते हैं जीत का? देखिए, मैं मेहनत का श्रेय मैं देता हूँ कार्यकर्ताओं को और संगठन को और संघ परिवार को, जिन्होंने सुबह सुबह हमारे स्वयंसेवकों ने प्रभात फेरी की और कार्यकर्ताओं ने, क्योंकि कम समय में टिकट मिला था, 20 दिन में मेरा हर जगह जाना पॉसिबल नहीं था, तो कार्यकर्ताओं ने खुद ही जनसंपर्क करने का काम किया और लोगों को जोड़ने का काम किया, वही कारण है इतनी लंबी जीत हुई है। सबसे बड़ी बात, प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटों में सबसे बड़ी जीत प्रयागराज की शहर उत्तरी में हुई है, क्या लगता है जनता ने ज़्यादा प्यार दिया? बिल्कुल, आप सोचिए कि लोग तो बता रहे हैं मंडल में भी नंबर वन है पूरे, और आपको बताऊं कि मुगलों को 2017 के चुनाव में 51% वोट मिला था, अब की बार 55% जनता ने वोट दिया है। तो ये कहते हैं 5 साल के बाद फिर से इलेक्ट होना मुश्किल होता है, और यहाँ पे जनता ने और बढ़ चढ़ के हम लोगों को सपोर्ट किया है। अच्छा, टिकट में बड़ी देरी हुई थी, क्या लगता है उसका चुनाव पे कुछ असर आया था या बहुत हिट कर गया देर में टिकट भी मिलना? नहीं, बिल्कुल, मैं आपको बताऊँ कि टिकट की जो टिकट मिला है उसमें भी हम लोगों का एक तरीके से ओपिनियन पोल हो गया था, क्योंकि टिकट में जब लोगों ने बड़े बड़े लोगों ने जब टिकट फंसाने का काम किया तो संगठन ने जनता से पूछा और उस ओपिनियन पोल में आया कि इनसे अच्छा कोई नहीं लड़ सकता, तो उसमें भी हम लोग के हौसला कि जनता ने ये बात कही है फीडबैक में। अच्छा, क्या लगता है इस बार बुलडोज़र ज़्यादा हिट रहा? देखिए, बुलडोज़र ज़रूर हिट रहा, क्योंकि जैसे कि योगी जी कहते हैं कि अगर गलत आदमी हो तो उसके सामने झुकना नहीं चाहिए, और उनके काले धन पे हम लोग ज़रूर उसको चोट पहुंचाते रहेंगे और नुकसान करते रहेंगे गलत लोगों का, माफियाओं का। लेकिन योगी जी केवल बुलडोज़र मैन नहीं हैं, वो एक्सप्रेस वे मैन भी हैं, वो केवल तोड़ते नहीं हैं बनाते भी हैं, और जितना हाईवे और एक्सप्रेस वे उन्होंने बनाया है ये अखिलेश जी और मायावती जी ने मिल के नहीं बनाया था। देखिए, अभी तो आप लोगों ने केवल ट्रेलर देखा है, अभी तो बहुत बड़े बड़े काम होने, 500 साल से सोचिए, यहाँ लास्ट टाइम बांध बना था 500 साल पहले, तब से शहर कितना बढ़ गया है, बाढ़ में लोग डूब जाते हैं, तो नए वो बनने हैं, बांध बनने हैं, नए ब्रिजेस बनने हैं, शहर जो सिमटा हुआ है उसको फैलाने के लिए, और बहुत काम अभी होने बचे हैं। और हम लोगों का तो जुनून है, हम लोगों को प्रयागराज को स्मार्ट सिटी सिंगापुर बनाना है, ये हमारा सपना है और वो उसमें हम लोग मिशन में लगे रहेंगे। यानी ये प्रयागराज के पूरे मंडल में सबसे ज़्यादा यानी सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाले हर्षवर्धन वाजपेयी है, क्योंकि प्रयागराज की 12 विधानसभा सीट में सबसे ज़्यादा तो ये मत पाए लेकिन पूरे मंडल में भाजपा प्रत्याशियों में सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले हर्षवर्धन वाजपेयी है। इनका ये एजेंडा है कि इस बार विकास की गंगा और ज़्यादा बहेगी और प्रयागराज में सबसे ज़्यादा विकास होने का काम शहर उत्तरी में होगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ आनंद राज, NBTI ऑनलाइन, प्रयागराज।